नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और वीडियो देखने के बाद लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं ना कोई रिव्यू करूंगा, ना किसी गाड़ी के बारे में बताऊंगा, ना किसी ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपके सामने जिस मकसद के लिए आया हूँ वो है मेरा एक एक्सपीरियंस। दोस्तों, जब हम कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, कहीं हाईवेज पे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि टोल प्लाजा पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो हमें बहुत जल्दी होती है। कई बार इस पे बहुत सारी वीडियो भी बन चुकी हैं कि टोल प्लाजा पे इतनी लाइन क्यों, ये मतलब कि बहुत परेशानी होती है। तो वहां पे बहुत सारी लाइनें होती हैं, ट्रैफिक इतना हो गया है, व्हीकल इतने हो गए हैं कि उनके लिए कोई ना कोई एक कदम उठाना था। जो सरकार ने उठाया वो है फास्टैग का। फास्टैग, जी हाँ, मैं आपके साथ फास्टैग का ही एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो 2-3 दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, तो मैंने फास्टैग लिया हुआ था, कभी का एक्टिवेट है, जब मैंने कार ली थी तब से एक्टिवेट है। फास्टैग को हम पेटीएम से या किसी बैंक से या फिर एजेंसी से ले सकते हैं, तो मैंने एजेंसी से लिया था। तो मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया था क्योंकि मेरा टोल प्लाजा से निकलना नहीं हुआ था कार में। तो मैं गया तो टोल प्लाजा से जाते ही वहां पे एक अलग से लाइन होती है फास्टैग की, लिखा भी होता है दोनों साइड में होता है फास्टैग। जब हम जाते हैं तो अलग से उस लाइन में सिर्फ वही गाड़ियां जा सकती हैं जिसपे फास्टैग होता है, तो वहां पे अलग से कोई और गाड़ी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। अगर कोई एंटर करती है तो उसको साइड में कर दिया जाता है। अगर आपकी गाड़ी आती है उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, आपके लिए स्पेशल एक लाइन खोल दी गई है। तो जब गाड़ी लेके मैं पहुंचा वहां पे, तो अलग से वहां पे बैरियल था, वो बैरियल खोल दिया गया कि गाड़ी एंटर कर सकती है उसके अंदर। मैं अंदर गया तो मानोगे नहीं दोस्तों कि वहां पे गाड़ी को बिल्कुल भी रोका नहीं गया। फास्टैग है जो, उसको स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसमें से ही आपके पैसे डिडक्ट हो सकते हैं, कट जाते हैं आपके पैसे अगर उसके अंदर बैलेंस होता है। तो आपके दिमाग में होगा एक सवाल कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक हमारे विंडस्क्रीन पे एक स्टिकर टाइप एक लगाया जाता है, वो फास्टैग होता है, उसको ही वहां पे लगे हुए स्कैनर स्कैन करते हैं टोल प्लाजा पे, जिससे कि पता चलता है वो गाड़ी यहाँ से एंटर होगी तो उसके, अगर आपके फास्टैग अकाउंट में पैसे हैं तो उसमें से कट जा सकते हैं। तो जब हम निकलते हैं तो अगर मान लीजिए कि हमारे टोल प्लाजा का प्राइस वन वे का है 35 रुपीज, तो वो 35 रुपीज कट जाएंगे। तो 35 रुपए कटने के बाद हम निकल, ऑटोमेटिक ही वो पैसे कट चुके हैं हमारे अकाउंट से और हम निकल जाएंगे कि कोई भी आपको नहीं रोकेगा कि पर्ची कटवाने के लिए आपको पर्ची दी जाएगी या कुछ भी स्लिप आपको दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने मतलब कि वो एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना किसी लाइन में लगना, ना क्योंकि अभी तक अगर गाड़ियों का फास्टैग ज्यादा लगता जाएगा, गाड़ी रुकता वहां टाइम क्यों लगता है, क्योंकि जब हम रोकते हैं गाड़ी को तो वहां पे अपने शीशा खोल के, उसके बाद खिड़की खोल के हम पर्ची कटवाते हैं, पैसे देते हैं, उसमें अगर सपोज करो आपके 10 सेकंड भी लग गए हैं, 10 सेकंड में पीछे लाइन लग जाती है, हाईवे पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो उसी से छुटकारा पाने के लिए फास्टैग बनाया गया। अभी एक लाइन है टोल प्लाजा पे, उसके बाद वो 3-4 भी हो जाएंगी जब ज्यादा इसका लोगों को पता चल जाएगा फास्टैग होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि कई बार ऐसे पर्ची होती है कि हम वन वे की नहीं टू वे की करवाते हैं आने जाने की, तो 35 करके तो 70 रुपीज हो गए और हमें वो 55 भी पड़ता है अगर हम टू वे की पर्ची कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपोज करो आपने 35 रुपीज की एक पर्ची कटवा, आपके अकाउंट से कट चुके हैं, आप निकल गए 35 रुपीज, तो जब आप वापिस आओगे इन 24 आवर के बीच में ही अगर आप वापिस आ जाओगे तो आपके जैसे कि आपके टू वे के 55 रुपीज बनते हैं और आप निकल गए, आपके 35 पहले कट चुके हैं, जब आप वापिस आओगे 24 आवर के बाद तो आपके 20 रुपीज और कटेंगे, तो टोटल कितने हुए 35 प्लस 20, तो आपके 55 कटेंगे। तो वहां पे लगे जो मशीन है या फिर आपका अकाउंट है, जो भी स्कैनर है, वो आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा कि आपने कितने देर में आप वापस आए हो तो आपके कितने पैसे कटने, मतलब कि आपको बताने की जरूरत नहीं है वहां पे कि आपने टू वे से जाना है या वन वे कि आपने एक बार जाके वहीं पे रुकना है या वापिस आना है। अगर आप 10 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे वापिस आ रहे हो तो वहां पे ऑटोमेटिक आपके पैसे कट चुके हैं। तो मैं गया था वहां पे, तो मेरे वहां पे कटे थे आपने 30 रुपीज और वैसे वहां पे बनते थे उसके 50, 30, 60 हो जाते, लेकिन मेरे 30 रुपीज कटे वहां पे 30 रुपीज। जब मैं वापिस आया तो उन्होंने 20 रुपीज और काटे, तो
तो ऐसे हो गए मेरे 50, तो 10 रुपीज। ये नहीं हुआ कि 30 पहले कट 30 बाद, ऐसा कुछ नहीं है। 30 पहले कट चुके थे, मैं 2 घंटे बाद वापिस आया तो 20 रुपीज। मतलब कि मेरा कहने का ये मकसद है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि फास्ट टैग होना जरूरी है। इसका रिचार्ज कैसे होता है तो ये इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, अगर मैं वीडियो बनाता तो मैं आपको दिखाता भी हाँ कि कैसे मैं वहां से निकला, कैसे आपके लिए बैरियर खुला। मेरे पीछे एक गाड़ी और थी, उसके ऊपर फास्टैग नहीं था, लेकिन वो मेरे पीछे आ गई कि हाँ इस लाइन में ये गाड़ी जा रही है तो अकेले ये लाइन खाली है, बिल्कुल खाली थी फास्टैग वाली। जब मैं वहां से पीछे जो गाड़ी थी तो वहां पे लगे सिक्योरिटी गार्ड ने वो गाड़ी साइड में हटा दी, मतलब कि वो गाड़ी हटा दे कि आप इस लाइन में नहीं जा सकते, मेरी ही गाड़ी इस लाइन में। मतलब कि आपके दिमाग में, अगर आप उस गाड़ी में होते तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि ये गाड़ी को क्यों जाने दिया, या तो कोई वीआईपी होगी या फिर कोई इन्हीं की वर्कर की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फास्टैग वाली गाड़ी को सबसे पहले जाने दिया जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं समझा सका हूँ आपको तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता कि फास्टैग क्यों जरूरी है। इससे डिटेल में आपको और मैं वीडियो बना दूंगा आपको, फास्टैग होता क्या है, कैसे इसका रिचार्ज किया जाता है, कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है, कहां से परचेज किया जा सकता है, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनें।